आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आम इंसान की हंसती और मुस्कुराती हुई जिंदगी बिलखते हुए मरघट में बदल जाती है। आज के इस अमेजिंग फैक्ट में हम ये बताने जा रहे हैं कि हाल में पूरे बिहार में बिजली गिरने से बहुत लोगों की मौत हो गई। तो इससे आप बिजली कैसे बनती है और कैसे धरती पर गिरती है और आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिजली जब अर्थ पर गिरती है तो सूर्य की सतह से भी अधिक होती है गर्मी। अधिकतर बिजली बादल में बनती है और वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार यह धरती पर भी गिरती है। बादल में जब बिजली बन रही होती है तब जमीन पर मौजूद चीजों का इलेक्ट्रिक चार्ज बदलता है। बिजली गिरना नेचुरल इवेंट है। हर सेकंड धरती पर 50 से 100 बार बिजली गिरती है। सूर्य की सतह की तुलना में बिजली अधिक गर्म होती है। बिजली जिस रास्ते से होकर जमीन पर आती है वहां की हवा 15,000 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। यह गर्मी सन की सतह की गर्मी 10,000 डिग्री फारेनहाइट से अधिक है। क्यों गिरती है बिजली, यानी लाइटनिंग क्यों होती है, बिजली क्यों गिरती है? स्काई लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ऐसा तब होता है जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, वहीं भारी कण नीचे जमा होते हैं और निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अधिकतर बिजली बादल में बनती है और वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार यह धरती पर आ गिरती है। आकाशीय बिजली में लाखों अरबों वोल्ट की ऊर्जा होती है। बिजली में अत्यधिक गर्मी के चलते तेज गर्जना होती है। बिजली आसमान से धरती पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरती है। अब ऊंची चीजों पर क्यों गिरती है बिजली? बादल में जब बिजली बन रही होती है तब जमीन पर मौजूद चीजों का इलेक्ट्रिक चार्ज बदलता है। जमीन का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और निचला हिस्सा निगेटिव चार्ज हो जाता है। टावर, ऊंचे पेड़, घर या इंसान जब पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तब उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की ओर जाती है, इसे स्ट्रीमर कहते हैं। बादल के निचले हिस्से में मौजूद निगेटिव चार्ज स्ट्रीमर की ओर आकर्षित होता है, जिससे बिजली धरती पर गिरती है। यही कारण है कि ऊंची चीजों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। अगर आसपास कोई ऊंची चीज ना हो तो बिजली इंसान या धरती पर गिरती है। अब बिजली से बचने के उपाय। नंबर 1, जहां है वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। दूसरा, सिर के बाल खड़े हो जाएं या झुनझुनी होने लगे तो तुरंत नीचे बैठकर कान बंद कर लें। यह इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। तीसरा, बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और छत से दूर रहें। चौथा नंबर पॉइंट है, दोनों पैरों को आपस में सटा लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ जितना संभव हो झुका लें।
सिर को जमीन से सटने ना दें, जमीन पर कभी न लेटे। पांचवा नंबर है, घर से बाहर है तो धातु से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, बाइक, बिजली के पोल या मशीन से दूर रहें, पेड़ के नीचे या समूह में ना खड़े रहें। जब आप ये पांचों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजली से शायद बच सकते हैं और आप सुरक्षित रह सकते हैं।